तो ये देखिए, यहाँ पे मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं मूली मूली जो रहती है ना, उसकी चटनी बना रही थी। तो उसके लिए मैंने ग्रीन चिली लहसुन को पहले फ्राई कर लिया, फिर एक टमाटर और एक प्याज को मैंने कट कर लिया, और ये देखिए मूली को मैंने वॉश करके, और इसको हम, तो ये देखिए यहाँ पे मूली को हमको कद्दूकस करना है, अच्छे से वॉश करके उसका छिलका निकाल देना है, पील, और उसको क्रश करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, थोड़े बहुत हाथ दुखने लग जाते हैं तो। और ये जो कद्दूकस करने का, इससे मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरे हाथ को ज़रूर लगता है, पर अच्छा हुआ उस दिन नहीं लगा। तो ये देखिए, पहले मैं सास के पास रहती थी ना, तो वो मुझे करने ही नहीं देते थे, लगती थी बोल के, वो खुद ही करते थे, बोलते थे ला मैं कर देती हूँ, पर अभी यहाँ तो नहीं है ना वो, हम तो खुद ही करना पड़ेगा। तो चलिए देख लीजिए कैसा करते हैं, और अच्छी लगती है मूली की चटनी ये, और आप ज़रूर ट्राई करना एक बार, अच्छी लगती है। और क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुकुम्बर की भी चटनी करते हैं, उसको भी ऐसे ही क्रश करने का। और आप चाहे तो ग्रीन चिली और लहसुन को फ्राई ना करके कच्चा भी डाल सकते, पर फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, उसको पहले फ्राई कर लीजिए, फिर उसका भी पेस्ट बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये देखिए मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ इसको अच्छे से, तो चलिए। देखिए क्रश हो गई थी, और ये जो पिल्स बच गए थे इसको फेंक देने का है, ये ऊपर का थोड़ा बहुत बच जाता है ना, तो ये देखो क्रश कर लिया था मैंने। और मेरे पास कोई ट्राईपोड नहीं है, तो मैं कैमरा नीचे ऐसा लगा दी थी, और इसका पूरी पूरा मूली का पानी हमको ऐसे निचोड़ के निकाल लेना है अच्छे से, तो ये पूरा अच्छे से ड्राई ड्राई हो जाएगी, खुली खुली। तो ये देखिए मैंने इसका पानी निकाल दिया था अच्छे से, तो चलिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको आगे रेसिपी। मैंने हैंड वॉश कर लिया वहाँ पे, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, जो ग्रीन चिली और लहसुन को हमने फ्राई किया था, उसको हम मिक्सर जार में डाल के और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो आप चाहे तो फ्राई करके डालें, आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट मिक्सर में धो के अच्छे से ग्राइंड कर ले। आप चाहे तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, पर फ्राई करके ग्रीन चिली डाले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करना ये। तो ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा ऑयल तो था, वो फ्राई किए वाला थोड़ा और डाला मैंने। और आपको ना ये थोड़ा मेरी रेसिपी में ना थोड़ा कलर बहुत अलग ही दिखेगा, मतलब ग्रीन चिली मतलब रेड चिली वो थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि वो ब्राइटनेस अलग हो गई थी। तो ये देखिए मैंने जीरा डाला, राई डाला, उसके बाद थोड़ा और लहसुन की पेस्ट डाली, अच्छे से मिलाया, और इसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला उसमें, देन उसके बाद मैंने इसमें प्याज और टमाटर एक साथ ही डाल दिया, क्योंकि आप चाहे तो प्याज ज़्यादा फ्राई करके खाते हो तो पहले प्याज को फ्राई कर ले, बाद में टमाटर डाल ले। मेरे को प्याज ज़्यादा फ्राई हुए वाला ज़्यादा पसंद नहीं है, ऐसा रेड रेड, तो मैं थोड़ा कच्चा रखती हूँ, इसलिए मैंने दोनों ही डाल दिया एक साथ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नमक डाला, जिससे कि ये जल्दी पक जाए, और फिर उसके बाद मैंने जो ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था ना, वो डाल दिया। आप चाहे तो इसको स्किप करके रेड चिली भी डाल सकते हैं, आपको जो चाहिए वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए मिक्स कर दी, और आपको कम लग रही होगी पर इनफ थी वो, उतनी तीखापन हो गया था, बहुत तीखा हुआ था। तो देखिए, और उसके बाद मैंने ये जो बचा था ना ग्रीन चिली, वो भी अच्छे से डाल दिया था। तो मैं एक हाथ से पकड़ के कैमरा फिर शूट की थी, तो फिर मैंने वो बाद में डाला था। और ये देखो हल्दी डालती, कलर अलग ही दिख रहा ना मेरे हल्दी का, क्योंकि वो बहुत डार्क है, पर वो ब्राइटनेस पता नहीं क्या ऐसा हो गया मेरे सेटिंग में ऐसा कैमरे के, तो वो अलग ही हो रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको अच्छा करने, हो ही नहीं रहा। तो ये देखिए नमक डाला, धनिया पाउडर डाला, और थोड़ा ग्रीन चिली डाला, वो कैमरा का प्रॉब्लम था, पर मुझे क्या लगा कम पड़ रहा तो कलर नहीं आ रहा बल्कि मैं डाल दी, पर अच्छा हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने इसको पका के, और मूली को जो मूली क्रश करके रखा था ना, वो डाल दिया, तो टेस्टी लगती है सब्जी जब नहीं हो ना, तो ये भी आप बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए आपको बहुत कलर ये ऐसा लग रहा होगा, बहुत पर बहुत ऑयल आया था उस पर, और बहुत ज़्यादा ये कलर अच्छा था, ये ब्राइटनेस पता नहीं क्या हो गया था। और उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे हम, तो चलिए। तो ये देखिए यहाँ पे
मैंने मूली की चटनी बना ली थी और आदि के लिए भिंडी की सब्जी बना रही थी। आदि के लिए बोले तो हम सबके लिए ही बना ली थी, क्योंकि आदि के लिए एक सब्जी बनाना ही पड़ता है मुझे सुबह में, और शाम में भी उसके लिए अलग बनाना पड़ता है। सुबह में हम दोनों के लिए दो बनाना उसके लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डांस कर रही थी क्योंकि गाने बज रहे थे, तो मैं भूल जाती हूँ कैमरा ऑन है बोल के डांस करने लग गई थी। और फिर यहाँ पे आवाज़ कम कर दिया था मैंने, वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि गानों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। और मैं क्या करती हूँ, खाना बनाते काम करते टाइम फुल आवाज़ करके गाने लगाती हूँ, जिससे काम जल्दी भी हो जाता है और ऐसा फीलिंग आती है कि घर में कोई तो है बाबा ऐसा। नहीं तो आदि का कैसा है, वो चुपचाप खेलती है, आवाज़ नहीं आती कुछ नहीं, फिर मेरे को बोर हो जाता है तो मैं गाने लगा लेती हूँ सुबह सुबह। और अच्छा भी, माइंड भी फ्रेश होता है कभी कभी गाने। और मैं सब पुराने गाने सुनती हूँ पूरे, राजेश खन्ना के ये वो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं भिंडी कट कर लेती हूँ यहाँ पे, और भिंडी की कुछ रेसिपी क्या मैं कुछ बताऊँगी नहीं, क्योंकि वो क्या बताना, सिंपल है। सिर्फ लहसुन की पेस्ट डालती हूँ, भिंडी डालती हूँ इसमें, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं डालती, आदि तो नहीं खाती, सिंपल ही बनाना पड़ता है। तो ये देखिए मैं फिर से डांस करना लग गई, माइंड मत करना और हंसना भी मत। तो ये देखिए, और उसके बाद मैंने भिंडी को कट करूँगी अच्छे से। तो चलिए, time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. यहाँ पे देखिए चटनी अच्छे से पक गई थी। ये देखो ऑयल भी छोड़ दिया था उसने, ऑयल भी बहुत था, पर वो पता नहीं कैमरे की वजह से क्या हो गया, अच्छे से कलर ही नहीं आ रहा उसका, मेरा मूड ऑफ हो गया था पूरा, पर जाने तो जो भी हो। फिर ये देखिए पक गई थी, फिर मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल के अच्छे से ढक के रख दिया था, डन हो गई थी हमारी सब्जी। तो चलिए अब भिंडी की बनाते हैं। तो ये देखिए भिंडी की सब्जी के लिए मैंने ऑयल डाला, उसमें जीरा राई लहसुन पेस्ट डाला, देन उसके बाद ये क्या सिंपल थी लहसुन की पेस्ट्री डाला सा सिर्फ, आदि की वजह से वो नहीं खाती बोल के। और उसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दिया था जो कट की थी, तो ये देखिए एक भिंडी रह गई थी तो मैंने निकाल दिया, वो कट करी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा नमक डाला, और नमक डाल के और हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला के और ढक के रख दिया था, दैट्स इट, कुछ नहीं। तो ये देखिए, ये भी देखो ग्रीन कितना रहती है भिंडी, फिर भी इसमें मेरे वीडियोस में थोड़ा अलग ही कलर आ रहा है उसका, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये देखिए हल्दी पाउडर डाल के, नमक डाल के, और मैंने क्या करती हूँ ना, आदि के लिए नमक वो सब कम डालती हूँ, तो उस दिन मैंने आदि के हिसाब से नमक डाला, फिर हमारे हिसाब से नमक ही कम हो गया। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, वीडियो के चक्कर में आजकल खाना ही नहीं बना रही तो हंसते रहते कि खाने में कभी नमक ज़्यादा रहता कभी कम रहता, शूट के चक्कर में हंसते रहते हैं। पर कभी कुछ, कभी मेरे हस्बैंड किसी चीज़ पे मुझे ये टोकते नहीं हैं, मेरे बहुत क्या बोलते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं वो। सच्ची में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उन जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, और ये भी एक वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ, शायद वो वीडियो देखे तो ज़रूर देखे इसको। तो चलिए भिंडी में भी क्या क्या बातें करने लग जाती हूँ। तो ये देखो भिंडी पक गई थी, तो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर डाल के मिला दिया था अच्छे से, और ये मैंने आदि के लिए निकाल लिया था। तो यही थी मेरी भिंडी की सब्जी, और इसको मिला के दो मिनट पका के धनिया पत्ती डाल के रख दिया था। और उसके बाद पानी आ गया तो मैंने पानी भरा, फिर बाद में रोटियाँ बनाई। तो देखिए डन हो गया। तो आज का लंच था हमारा रोटी दही सब्जी भिंडी की मूली की चटनी, आ जाइए खा लीजिए आप भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदिरस फैमिली चैनल, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हेलो हो रहा है क्योंकि लास्ट क्लिप में आपने देखा मैं लंच प्रिपेयर करी, उसके बाद लंच की बात करने का टाइम ही नहीं मिला। तो लंच होने के बाद फिर अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो सोचा अभी थोड़ा सा आपसे बातें कर लूँ। तो ये देखिए मैंने आज भी पैक लगाया था, तो पैक धोने के बाद सूख गए हैं, बाल थोड़े गीले, तो मैंने इसको क्या बोलते हैं ऐसा तवेल से करे वाले थे, अभी निकाला है। तो वो पैक लगाते हैं ना, तो
वो पैक के जो रहता है ना मेथी ये वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है, तो जब वो ड्राई होगा ना तब ये सब कुछ निकल जाएगा। तो अगर वीडियो में दिखता है तो माइंड मत करना, तो निकल जाता है वो। और सोचा आपसे बातें कर लूँ, और कुछ नहीं। और एक बात बोलती आपको, कल क्या हुआ ना, मैंने डोसा बनाया था, तो डोसा बनाने के लिए उसके बैटर को भिगोना पड़ता है अपने को एक दिन पहले। तो एक दिन पहले भिगोई थी, शूट की मैंने, फिर उसको ग्राइंड करते बैटर को वो भी शूट की मैंने, सांभर बनाई शूट की मैंने, चटनी बनाई शूट की मैंने। और मेरे हस्बैंड आगे डोसा बना रही थी, मेरे हस्बैंड आगे तो उनको गर्म बनाते बनाते देने लग गई, तो डोसा शूट ही नहीं करी। ऐसा होता है क्या किसी के साथ? इतनी पागल हो गई हूँ मैं, कुछ भी चमन मेरी याददाश्त चली गई है शायद याद ही नहीं रहता है। और तो ना मैंने शूट ही नहीं की, फिर अब क्या करूँ, अब डोसा ही नहीं बनाया था, फिर क्या वो रेसिपी डाल ही नहीं सकती ना। तो जाने दो, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, डोसा बनाऊँगी तो डोसा का शूट कर लूँगी, और ये जो सांभर वांभर का है वो ही बनाऊँगी, तो ये रहने दूँगी क्लिप। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, आज ही नहीं बहुत बार ऐसा होता है, रेसिपी शूट कर ली। एक बार पहले भी मैंने अभी एक दो सब्जी शूट करी थी, तो क्या हुआ, पूरा शूट कर ली मैंने। शूट करने के बाद क्या हुआ, पता चला कैमरा तो ऑन ही नहीं किया, मतलब क्लिक ही नहीं किया कैमरा ऑन के लिए, वीडियो जो रहता ना क्लिक ही नहीं किया वहाँ पे। और पूरा बड़बड़ बड़बड़ कर ली, रेसिपी हो भी गई, फिर देखती हूँ अरे यार शूट ही नहीं। फिर इतना गुस्सा आता है ना, कुछ समझ में नहीं आती, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, ऐसा होता है मेरे साथ। और पता नहीं क्या, आज ही नहीं, वीडियो के टाइम तो हर बार मुझे होता, वीडियो के टाइम तो हर बार ऐसा होता है, मैं फिर देखती हूँ अरे हाँ ऑन किया है कि नहीं, ऐसा होता है बहुत बार ऐसा होता है। और दूसरा थिंग, मैं कभी भी किस किस के साथ होता है, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं क्या करती हूँ ना, मोबाइल को चार्जिंग लगाती हूँ, टू आवर जितना चार्जिंग को रहता है ना उतना चार्जिंग फुल होती है, उतना टाइम लगाती हूँ। फिर जाने के बाद 1 आवर के बाद मैं देखती हूँ, अरे बटन तो चालू ही नहीं किया, स्विच तो ऑन ही नहीं किया, अभी क्या करूँ। मेरे हस्बैंड जब भी मैं चार्जिंग लगाती हूँ ना, मेरा मोबाइल या वो कभी बोलते मेरा लगा, तो मुझे पहले बोलते बटन देख पहले चालू है कि नहीं तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, नहीं तो मुझे क्या बोलते बटन कौन चालू करेगा, एक आदमी रखना पड़ेगा बटन चालू करने के, हंसाते बोलते। तो ऐसा भी बहुत होता है, मेरा मोबाइल चार्जिंग के टाइम तो हर बार ही होता है, किस किस के साथ होता है ऐसा तो बताना। और तो देखो, मैं दोपहर को आपको बात कर रही थी, उसके बाद बात ही नहीं की, अभी बज रहे हैं 4:30। तो सोच रही हूँ बेसन के लड्डू बना ही लेती हूँ आज, तो बना लेती हूँ, पर वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, मैं कैसे बनाती हूँ वो। और क्या बोलते हैं, एक मिनट, तो मेरे बाल देखो कैसे हो गए, देखिए। तो मेरे बालों को क्या हुआ, मैंने आज वॉश की थी, तो मैंने वॉश की थी, मैंने सोचा आज मैं अपने बालों को कर्ल करती हूँ, तो मैं स्टीम अपने बालों को हार्मफुल नहीं करती, कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं लगाती हूँ, कभी भी मैंने ड्रायर से ड्राई भी नहीं किया अभी तक मेरे बालों को, तो इसलिए मेरे बाल इतने सॉफ्ट है और इतने स्ट्रेट है ना कि वो कर्ल ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, वॉश किया, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा ड्राई हुआ था, बाकी गीले थे, तभी उसको ना छोटी छोटी चोटियाँ बना के सराउंड करके यहाँ पे लगा लिया। फिर अभी खोली, सोचा देखती हूँ होता है कि नहीं, तो ये देखिए हुआ ही नहीं, सीधे ही रह गए मेरे बाल, कल ही नहीं हुए। तो मैं सोच रही थी कल करके देखते हैं कैसा लगता है, पर नहीं हुए, मेरे बाल बहुत सीधे हैं, बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्ट्रेट है, तो नहीं हुआ। तो जाने दो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी दूसरा। तो चलिए अब बेसन के लड्डू बना लेते हैं, चाय बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ। वो गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो चलिए यहाँ पे बैठिए आप लोग तक, एक मिनट रुको मैं बंद करके आती हूँ गाने। मैं गाने बंद करके आ गई, डांस गाने बजते थे, मैं डांस कर रही थी। और एक आपको एक बात बोलूँ क्या, जो भी ब्लॉग बनाते न्यू क्रिएटर है, क्योंकि जो जिनका चैनल ग्रो हो गया उनको तो क्या एडवाइस देना, तो उनको एक बात बताऊँगी, बहुत से ब्लॉगर है, मैं भी ही थी, तो
डरते हैं हम ब्लॉग बनाते टाइम, ये बोलेंगे तो ये हो जाएगा, ये बोलेंगे तो ये हो जाएगा। आप रिकॉर्ड ऐसा करिए जैसे आपके आसपास कोई नहीं है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना, मेरे पास कोई नहीं, तो उस आप जब कोई नहीं रहता आप कैसे रहते हो, वैसे ही आप रिकॉर्ड करिए जिससे आपके वीडियोज नेचुरल लगते हैं, जिससे कि। और आप ये सोच के बनाइए कि कोई नहीं देख रहा अभी अपने को, तो आप जैसा जैसा उसमें अपने आप को क्या बोलते हैं फ्री करके वीडियो बनेंगे वो वीडियो लोग ज़्यादा। अब आप क्या करते हैं, एक बोलते हैं ना वर्ड्स चूज करके बोल रहे कि हाँ इतना ही बोलना है, वैसा ना करें, फिर वो देखता नहीं कोई, लोगों को लगता हाँ इसने तो रट्टा मार के बोल दिया बड़बड़, वैसा ना करें। जो छोटी 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 चीज़ें वो सब शूट करें जिससे ही अपना ब्लॉग आगे जाएगा। तो मैं एडवाइस दे रही हूँ, मतलब इतनी बड़ी यूट्यूबर मैं भी नहीं हूँ कि मैं एडवाइस दूँ, पर मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं धीरे धीरे फ्री होने लग गई हूँ यूट्यूब पर। मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ कि मेरे आसपास कोई नहीं, अभी कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ मैं हूँ, और डालने के बाद जब लोग देखेंगे तो उसको ज़रूर क्या बोलते हैं पसंद करेंगे। तो ये टिप आप ज़रूर यूज करिए, छोटी 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 चीज़ें आप इसमें रिकॉर्ड करिए, हंसते बोलती एकदम फेस को हंस के बोलिए, एकदम फ्री बोलिए। अपने फ्रेंड के साथ कैसा बात करते हैं हम, अपने क्लोज फ्रेंड वैसे ही बात करेंगे, यहाँ सब फ्रेंड ही है अपने, रिलेटिव मतलब रिलेटिव क्या बोलते हैं फ्रेंड है, अपने फैमिली जैसा ही है, वैसा रहिए तो उससे अपने वीडियो अच्छे लगते हैं। तो चलिए अभी लड्डू बना लेती हूँ, बड़बड़ 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 बहुत प्रवचन दे दी मैंने, कर लेते तो ये देखिए आदि को दिखाती हूँ। एक भी वीडियो ऐसा नहीं जिसमें आदि नहीं दिखती, क्योंकि वो तो नाम ही उसका है चैनल पे, तो वो तो दिखेगी ही ना। नहीं गाना नहीं लगा सकती दीदी, तो बोल रही गाना। तो ये देखिए यहाँ पे आदि डांस करने लग गई थी, गाने मैंने कट कर दिया, कॉपीराइट आने का डर रहता है इसलिए मैंने गाना कट कर दिया। तो ये डांस करती है और बोलती है मम्मा मोबाइल यहाँ रख दो, आप चाय बना लो, मैं शूट कर लूँगी बोलती है। तो मैंने यहाँ कैमरा ऑन कर लिया, करके रख दिया, वो डांस कर रही है। आप देखो उसका डांस, बहुत अच्छा डांस करती है, डांस मुझे एडिटिंग करते टाइम भी हंसी आ रही है क्योंकि डांस कम और फाइटिंग ज़्यादा करती है वो, तो आप भी हंस हंस के पागल हो जाओगे इसका डांस देख के। और वहाँ मैं दूध निकाल रही थी, तो अभी आपको बताती हूँ क्या हुआ, देखो। तो ये देखो मैं पागल हो गई हूँ दूध निकालने फ्रिज में, और फिर सोच रही हूँ अरे बाप रे दूध ही नहीं है फ्रिज में, तो और फिर याद आया आज हमारा दूध वाला आया ही नहीं, पता किस किस। मैं अभी फ्रिज खोल के देखी और मलाई का ले ली, और देख रही दूध तो आया ही नहीं। अभी क्या, अब सामने की शॉप से पैकेट लाना पड़ेगा चाय के लिए, तो देखते हैं चाय के बाद में भी होंगी, पहले लड्डू बना लेती हूँ, लड्डू बना के फिर जाऊँगी चाय के लिए, दूध लाऊँगी चाय बनाऊँगी। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे ही एंड कर देती हूँ। तो चलिए मिलिए नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें लड्डू की रेसिपी आएगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट क्या सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आदि को भी बाय बोलना है, बाय बाय, टेक केयर, बाय। तो बोल दिया बाय तो चलो।